अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेमेडीज विद अनाया। तो फ्रेंड्स, स्किन की अकसाम पे अगर नज़र डालें तो सबसे परेशान कुन स्किन होती है एक्नी स्किन, यानी कि ऑयली स्किन। खास तौर पर गर्मियों में स्किन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऑयली स्किन की पहचान ये होती है कि अक्सर स्किन पे दाने बनते हैं। अगर दाने ना भी बने तो ब्लैक हेयर या हल्के हल्के सुराख आपको स्किन के अंदर जरूर नजर आएंगे। आप किसी टिश्यू को मुंह पर रखकर दबाएं, टिश्यू के साथ ऑयल सा लग जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये स्किन ऑयली है। गर्मी में तो खास तौर पे ये स्किन ज्यादा ही ऑयली रहती है, जिसे देखने से ही मुंह पर ऑयल सा नजर आने लगता है। कुछ लोगों की स्किन पैदाइशी ऑयली होती है, मगर ज्यादातर लड़कियों में 13 या 14 साल की उम्र में इस तरह का मसला पैदा हो जाता है। हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी स्किन चिकनी हो जाती है, और फिर जब एहतियात नहीं की जाती तो इस स्किन पे बहुत सारे मसाइल बढ़कर पिंपल्स या फ्रैकल्स की शक्ल तैयार कर लेते हैं। तो इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं आपके लिए जबरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के तमाम डार्क स्पॉट क्लियर हो जाएंगे और एक्ने भी कंट्रोल हो जाएगा, और स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन पे नेचुरली वाइटनिंग लुक आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, स्किप मत किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा चम्मच भर के हमें लेना होगा बेसन। बेसन हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और फेस पे मौजूद दाग धब्बों का खात्मा करता है। उसके बाद हमें शामिल करना होगा एक लीमू का रस। लेमन में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड और ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं, जो हमारी सांवली रंगत को तेजी से गोरा बनाते हैं और स्किन की प्रोटेक्शन भी करते हैं। उसके बाद एंड पे हमें लेना होगा 2 चम्मच रोज वाटर, यानी कि अरके गुलाब। रोज वाटर हमारी स्किन टोन को लाइट करता है और इसका इस्तेमाल तो स्किन के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। अब आप इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। बहुत ही आसान रेमेडी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये तमाम चीजें आपको अपने घर से ही मिल सकती हैं। ये हमारा एक तरह का मेडिकेटेड स्क्रब बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने इस स्क्रब को लेकर अपने फेस पे अप्लाई करना है। पूरे फेस पे अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद इसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करती जाए। स्क्रब करते वक्त अपने हाथों का प्रेशर कम रखा करें, क्योंकि अगर आपके फेस पे दाने हैं और तेजी से मसाज करने से दाने छिल जाते हैं और इनसे खून निकल आता है। तकरीबन 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करती जाएं, और 10 मिनट स्क्रब करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इस अमल को आप हफ्ता में 2 बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि इस स्क्रब के इस्तेमाल से आपके फेस के तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। क्योंकि इस रेमेडी में हमने तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा इनका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। जो लोग अपने फेस पे पिंपल्स और इनसे बनने वाले दाग धब्बों को खत्म करने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमा कर थक चुके हैं, इनके लिए तो ये रेमेडी इंतहाई बेनिफिशियल है। आप इसे ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।